हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू आजमी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम इंटीरियर बाय राजू आजमी। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इंटीरियर्स की जानकारी के वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिसमें टाइल्स के बारे में जानकारी दूंगा, प्लम्बिंग के बारे में जानकारी दूंगा, फ्लोरिंग है, फॉल्स सीलिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, मॉड्यूलर किचन, पेंटिंग, इन सब की मैं जानकारियां आपको मटेरियल से लेकर डिटेल में दूंगा मैं आपको। जैसे अगर प्लम्बिंग है तो प्लम्बिंग किस तरह की जाती है, प्लम्बिंग में क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, टाइल्स में हमें फ्लोर के लिए कौन सी टाइल यूज़ करना चाहिए, वॉल के लिए कौन सी यूज़ करना चाहिए, बाथरूम के लिए कौन सी होनी चाहिए, लिविंग में कौन सी होनी चाहिए, ये सब बताऊँगा मैं आपको। फॉल सीलिंग किस तरह होनी चाहिए, अगर आपके घर की स्लैब हाइट अगर ज़्यादा है तो उसे किस तरह से कम या ज़्यादा कैसे प्लान करना है कि और ना नज़र आए। पेंटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि पेंट में कितने टाइप के पेंट्स होते हैं, कौन पेंट कहाँ यूज होना चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। थीम पेंटिंग में थीम बेस्ड पेंटिंग होनी चाहिए कि जो घर के फर्नीचर से, किचन से सारी चीजें हैं उनके साथ में मर्ज हो, वो और ना दिखे, कुछ अलग ना दिखे, तो वो सारी चीजें मैं अपने वीडियोज में देता जाऊंगा। कभी मैं बाथरूम प्लम्बिंग के दूंगा तो कभी किचन मॉड्यूलर किचन के बारे में जानकारी दूंगा, मॉड्यूलर किचन में क्या क्या फिटिंग्स लगती हैं वो समझाऊंगा मैं आपको, और कैसे किचन प्लान करना चाहिए, चिमनी कहाँ होना चाहिए, सिंक कहाँ होना चाहिए, सर्विस प्लेटफॉर्म कहाँ होना चाहिए, फ्रिज का स्पेस कहाँ छोड़ना चाहिए, माइक्रोवेव कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फ्लोरिंग के बारे में मैं बताऊंगा आपको, मैं फ्लोरिंग किस तरह से होनी चाहिए और इस वक्त ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं, यानी कि मैं आपको आज से पिछले 10 सालों पहले की चीज़ें बताऊँगा, मैं आपको नई चीजें बताऊंगा जो आगे आपको काम आएगी आपके घर बनाने में, रेनोवेशन करने में। रही बात इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल के बारे में ये बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने घर में जो भी है, जिन्होंने अभी रेनोवेशन नहीं किया है तो उन्हें बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं, पहले की जो प्लानिंग किए हुए इलेक्ट्रिकल लेआउट थे जो इस वक्त नहीं चलते, पहले मेन बोर्ड के अंदर ही सॉकेट हुआ करता था, ऐसी बहुत सारी चीजें। आज आपको सॉकेट सिर्फ हर जगह चाहिए होती है, आप सोफे पर बैठे आप चाहते हैं मैं अपना मोबाइल प्लग कर लूँ, चार्ज कर लूँ, आप डाइनिंग पर तो आप तब भी ये चाहते हो कि मैं अपना लैपटॉप लगा के मैं यहाँ कुछ काम कर लूँ, तो जो आपकी नीड्स हैं बहुत बड़ी है। उन सारी नीड्स को फुलफिल हम लोग अपने तरीके से प्लान करके किए जा रहे हैं, उन चीज़ों को सही करते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग तैयार रहिए मेरे नए वीडियोज़ के लिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सपोर्ट, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।